हाय, मैं डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानेंगे PCU, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी, आल्सो कॉलेड पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के कुछ टाइम बाद आई के पोस्टर पार्ट पर झिल्ली का आ जाना, जिसकी वजह से विजन का कम हो जाना या कम दिखाई देना। 75% पेशेंट नहीं जानते हैं, जिसमें अधिकतम शहरी पेशेंट की अपेक्षा ग्रामीण पेशेंट ज़्यादा रहते हैं। विजन का धीरे धीरे कम होते जाना, पेशेंट के माइंड में विजन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, पावर का चश्मा भी बनवा लिया, ना कोई आँख में चोट, ना कोई आँख में पेन, बाटरिंग, इचिंग, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन आदि, उसके बाद भी विजन का कम हो जाना, यह बहुत से डाउट रहते हैं। इन्हीं सभी डाउटों को दूर करेंगे इस वीडियो में। PCU क्या होता है और इसे हम कैसे रिमूव करा सकते हैं, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के कुछ टाइम बाद विजन का कम हो जाना, यह किन किन कंडीशन में हो सकता है ये जानने की हम कोशिश करते हैं, जैसे PCU, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी 75% रहती है, यानी आँख में पोस्टर पार्ट पर झिल्ली का बन जाना, इंट्राओकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कराते टाइम आई में डाला गया था उस लेंस का अपने स्थान से खिसक जाना, आई इन्फ्लामेशन, आँख पर सूजन का आ जाना, लाइट सेंसिटिविटी, आँख में चमक लगना, फोटोप्सिया यानी लाइट आँख में सहन ना कर पाना, मैकुला इडेमा, इन्फ्लामेशन ऑफ द सेंटर रेटिना, रेटिना पर सूजन का आ जाना, टोसिस यानी ऊपर वाली आईलिड का नीचे आ जाना, ओकुलर हाइपरटेंशन, आँख में इंट्राओकुलर प्रेशर का बढ़ जाना, इन सभी कंडीशन में विजन पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम जानेंगे PCU यानी आई में पोस्टर पार्ट में झिल्ली का आ जाना। जिस टाइम आई डॉक्टर्स ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते टाइम आई में से नेचुरल लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। आर्टिफिशियल लेंस थीन होने के कारण वहाँ गैप बन जाती है, इस गैप को भरने के लिए PCU नाम की झिल्ली बन जाती है और पेशेंट को कम दिखना शुरू हो जाता है। यह झिल्ली जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट को कम दिखना शुरू होता जाता है। यह झिल्ली सभी पेशेंटों को आने के चांस रहते हैं और सभी पेशेंटों को आती भी है। एक इस झिल्ली को एक बार अच्छे से रिमूव कर दिया जाता है तो ये झिल्ली दोबारा नहीं आती है। डायबिटीज पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन या फिर किसी और डिसीज़ की मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, यह उनको जल्दी आने के चांस रहते हैं। यह झिल्ली पेशेंट को कब आएगी इस बारे में कोई जिज्ञासा नहीं है। आपको लगे कि मुझे अब कम दिखाई देना शुरू हो गया है तो आप अपने नज़दीक के आई डॉक्टर से डायलेटेड टेस्ट करा लें, जिससे झिल्ली का पता चल सके। झिल्ली को रिमूव करने के लिए यंग लेजर कैप्सुलोटोमी कराई जाती है। इस प्रोसेस में ओनली 30 मिनट लगते हैं। रिमूव करने से पहले आई को डायलेट करना होता है। डायलेट हो जाने के बाद यंग लेजर कैप्सुलोटोमी मशीन पर पेशेंट को ऐसे बैठाया जाता है जैसे आई पर अल्ट्रावायोलेट रेज आई पर पड़ सकें और झिल्ली को रिमूव कर सकें। इस प्रोसेस में ओनली 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। यह OPD प्रोसेस होता है और पेशेंट को कुछ मेडिसिन देकर होम टाउन रेफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में
पेशेंट की आई में कोई पेन, कोई इन्फ्लामेशन, कोई दर्द आदि नहीं होता है। इसका खर्च भी ज़्यादा नहीं रहता है, 1,000 से 2,000 के बीच रह सकता है। यह आपके नज़दीकी आई हॉस्पिटल की फैसिलिटी पर डिपेंड करता है। आशा है मुझे यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय दिस वीडियो।